जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने का सोचते हैं और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक दो दिन हो चुके हैं, सबसे पहले उनके दिमाग में यही सवाल आता है कि अगर मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा तो मुझे क्या क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं और क्या क्या बदलाव मेरे जीवन में होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप 90 दिन तक वीर्यनाश नहीं करते हो तो आपको क्या क्या अपने जीवन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे कि उनके दिमागों में कुछ लोगों ने उल्टी सीधी बातें भर दी हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही विचार आता है कि यार, मैं क्या इस मज़े को अगर छोड़ दूंगा तो क्या मेरी ज़िंदगी में सच में बदलाव आएगा, या मैं कुछ ऐसा कर पाऊँगा जो और लोग नहीं कर पा रहे हैं, सच में मेरे जीवन में बदलाव आ जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि किसी भी काम करने से पहले अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो समझिए कि वो काम आप कभी नहीं कर सकते। हम उसी काम में ज़्यादा कामयाब होते हैं जिस काम में हमें ज़रा सा भी कोई भी डाउट नहीं होता है और अपने दिल, दिमाग और पूरी ऊर्जा को एक साथ मिलाकर कोई भी काम करते हैं, तो उसमें हमें 100% कामयाबी मिलती है। सबसे पहली बात, जैसे ही आप गद्दी फिल्में देखना छोड़ देते हैं और हस्त मैथुन करना छोड़ देते हैं तो आपको जो वीर्य है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उसके बाद आपको नाइटफॉल का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें घबराने की जरूरत थोड़ी सी ये है कि आपको ध्यान रखना होगा गर्म चीजों का, जो आप खाते हैं उनको छोड़ना होगा और सीजनल जो फूड होते हैं उनको खाना होगा। देखो, हम इंसान हैं तो इंसान का स्वभाव एकदम से तो नहीं बदलता, प्रैक्टिस करने से स्वभाव को बदला जा सकता है। कैसे? जैसे ही आप ब्रह्मचर्य पूरे मन से करते हैं और आपको एक महीना हो जाता है तो एक महीने के अंदर आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी होगी। मैं नहीं कहता कि इतना आसान है ब्रह्मचर्य का पालन करना कि आप एकदम चुटकियों में कर लोगे, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना होगा, जैसे कि बार बार आपके मन में पोर्न देखने का ख्याल आएगा, बार बार आपके मन में हस्त मैथुन करने का ख्याल आएगा। तो यही वो समय है कि आपको अपने मन पे काबू करना है। अगर आपने 21 दिन तक अगर आपने इस चीज पर कंट्रोल कर लिया और आपने कुछ भी नहीं देखा, उल्टी सीधी चीजें नहीं देखी, हस्त मैथुन नहीं किया, तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप अगर ये कर लेंगे तो बिल्कुल आप इस चीज को छोड़ पाएंगे। एक चीज और देखो, जबरदस्ती या जान कर किसी गड्ढे में गिरना वो अलग बात है। 21 दिन के बाद अगर आपने प्रैक्टिस कर ली पूरे मन से तो आप इस चीज को छोड़ पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप करेंगे तो वो आपकी बेवकूफी है। उसको बोलते हैं बेवकूफी। तो बेवकूफी करोगे अलग बात है, नहीं तो आपको इस चीज की कभी भी अर्ज नहीं होगी। चीज और आपको फेस करनी पड़ सकती है वो ये है कि जैसे ही आपके दिल में ख्याल आएगा सेक्स के बारे में या गंदी वीडियो देखने के बारे में, आपको हल्का फुल्का सा वीर्य का ड्रॉप जरूर गिरेगा, लेकिन उससे आपको करना यह है कि वो कुछ दिनों के लिए होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हो रहा है तो ये चिंता का विषय है, आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो आपको मेडिसिन देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात। हम फायदों के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आएगा। सबसे पहला आपका जो सबसे मेन चेंजेस है वो आएगा कि आपका वीर्य बर्बाद नहीं होगा, यानी आप किसी भी गुनाह में शामिल नहीं होंगे। तो सबसे पहला फायदा तो यही है कि आप अपनी ऊर्जा को ऐसे ही बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरा सबसे अच्छा फायदा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको कॉन्सेंट्रेशन पावर। आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है, जो फोकस पावर है, वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपकी समझने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, जैसे कि आप कोई भी बात याद नहीं कर पाते हैं तो आपकी ये भी चीज बहुत अच्छी, याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है हस्त मैथुन ज्यादा करने से वो याददाश्त पर ही पड़ता है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। आपके जो अंदर जो फिजिकली प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे थकना, जल्दी खांसना, ये सब चीजें भी आपकी ठीक हो जाएंगी ब्रह्मचर्य का पालन करने। तो सबसे मेन बात, आपका जो एटीट्यूड है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं ज्यादा अगर डिटेल में बात करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको फायदा देखने को मिलेगा अगर आप 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन। एक चीज आप सबने ही नोटिस की होगी, जब भी आप मास्टरबेट करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं, तो आपका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हो रहता है, चेहरे पे चमक नहीं होती, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो ये सारी चीजों भी आपको फायदा मिलेगा, आपका चेहरा अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, चेहरे पे एक चमक रहेगी। आप ज्यादा हस्त मैथुन करते हैं तो आपके चेहरे पे हड्डियां ज्यादा दिखने लगती हैं, स्किन कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं कुछ महीनों तक, तो जहां पर आपकी हड्डियां होती है वो भरने लगती है, वहां पे स्किन आने लगती है और काफी खूबसूरत आपका चेहरा होने लगता है। जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो 10 से 15 दिन के अंदर आपको छोटे छोटे बदलाव आते हैं, लेकिन आप उनको नोटिस नहीं करते। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे आपका दिन बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे आपके 10 से 15, 20, 25, 30 इस तरह से दिन बढ़ते जाते हैं, ऐसे आप जो बदलाव है वो दिखने लगते हैं। तो दोस्तों, आज से आप सभी वादा कीजिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, वीर्यनाश बिल्कुल भी नहीं करोगे और आप हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे, इस चीज का
वादा करेंगे, क्योंकि ये चीज सिर्फ इसीलिए बनाई है जिससे कि आप अपनी संतान पैदा कर सको और आप अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सको। ये चीज इसलिए नहीं बनाई है ऊपर वाले ने कि आप हाथ का इस्तेमाल करके इस ऊर्जा को ऐसे ही बहाते रहो। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में इसी चैनल पर बहुत ही जल्द। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।